दोस्तों आज हम इस मोबाइल में चार्जिंग जैक को रिपेयर करने वाले हैं। ये आईटेल कंपनी का है और इसमें चार्जिंग जैक को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है आपको इस वीडियो में पूरा सीखने के लिए मिलने वाला है। इसका मॉडल नंबर वगैरह आपने देखना होगा। इसमें बैटरी और सिम वगैरह मैंने हटा ली है, बाकी इसके स्क्रू वगैरह खोलने हैं। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, इसमें अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है, ये मोबाइल अभी तक खुला नहीं है। इसमें सील आप देख सकते हैं, ये देखिए बंद है, यानी कि पहली बार इसमें चार्जिंग जैक रिप्लेस हो रहा है या रिपेयर हो रहा है। तो हम बिल्कुल कंपनी की तरह ही फिट करेंगे, जैसे कंपनी ने फिट करके दिया था पुराना वाला, वैसे हम इसमें फिट करके देंगे, यानी कि कोई भी इसमें अंतर नहीं हो सकता। बिल्कुल किस तरीके से करा जाता है रिपेयर वो आपको डिटेल से सीखने के लिए मिलने वाला है। चलिए पहले इसके सारे स्क्रू खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं, अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए किसी एक जगह से आपने इसको उठाना पड़ेगा और उसके बाद इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए यहीं से हम ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम मोबाइल खुल रहा है तो इसमें हो सकता है इसका जो बैक है वो बहुत टाइट हो सकता है, तो इसमें लॉक वगैरह होंगे। वो आप धीरे से इस तरीके से उठाते हुए इसको ओपन कीजिएगा, ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश बिल्कुल मत करें। ये देखिए इस तरीके से इसमें लॉक होंगे, वो उठाते हुए आपने इसके बैक को खोलना है। अगर आपके पास ओपनर हो तो इस तरीके से ओपनर फंसाते हुए आप इसको खोलिएगा। तो यहाँ पर ये खुल चुका है। तो अब यहाँ पर इसमें हमने जैक को चेंज करना है, तो जैक इसके इस वाले पार्ट में लगा है, यानी कि मेन मदरबोर्ड पे ही इसमें जैक लगा हुआ है। तो वहाँ पर हम पहले इसके मेन मदरबोर्ड को निकालेंगे, उसके बाद उसमें जैक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें मेन मदरबोर्ड को निकालने के लिए आपने इसमें सारे कनेक्टर्स को हटाना है। कनेक्टर को हटाने के लिए आपको बता देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से कनेक्टर्स को आपने हटाना है। लॉक ऊपर को खींचेंगे और इस तरीके से इसको हटाएंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। तो वैसे जितने भी कनेक्टर आपको दिखते हैं वो सारे यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर इसको भी आपने हटा लेना है, पावर की को भी आपने हटा लेना है क्योंकि यहाँ पे से जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो पावर की वाला जो सेक्शन है वो उसका पत्ता कट सकता है, तो इस पत्ते को आपने एक सेकेंड, ये शायद वीडियो में कवर नहीं हो पाया, चलिए आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने काफ़ी जूम किया हुआ था। तो यहाँ पर क्या ना, सारे कनेक्टर आपने इस तरीके से रिमूव करने हैं। उसके बाद जो पावर की है वो यहाँ से कनेक्टेड है, इसमें कोई भी कनेक्टर नहीं लगा है, तो इस तरीके से आप इसको हटा के इस तरीके से खोल देंगे या फिर यहाँ से डिसहोल्डिंग कर देंगे। अगर इस तरीके से करते हैं तो काफ़ी सेफ तरीके से आपका ये निकल जाएगा। और इस कनेक्टर को बताइए, कैमरा का कनेक्टर है, नहीं कैमरा का कनेक्टर नहीं था, ये नीचे टच का कनेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें कैमरा को हटाएंगे, देखिए कैमरा को हटाएंगे, उसके बाद वैसे मदरबोर्ड फ्री हो गया हमारा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। चलिए कनेक्टर खोल लिया है और इस तरीके से इसको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ से हमारा मदरबोर्ड फ्री हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है, अब इसमें चार्जिंग जैक को हमने हटाना है। एक पीसीबी स्टैंड हम ले लेंगे और यहाँ पर इस मदरबोर्ड को पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर लेंगे। तो फाइनली इसको हमने पीसीबी स्टैंड पर लगा लिया है, अब यहाँ पर हम चार्जिंग जैक को निकालेंगे। देखिए चार्जिंग जैक को निकालने के लिए आप जिस एसएमडी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हीट 350 से 400 होनी चाहिए और एयर लगभग आपकी 203 के आसपास में होनी चाहिए, कम भी हो सकती है। हर एसएमडी का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो देखते हुए आप उसको करेंगे। अब यहाँ पर जैक जब निकालेंगे तो याद रखें इसके जो आप आसपास कोई कंपोनेंट है उसके ऊपर आपने हीट नहीं करना है, सिर्फ जैक के ही आसपास आपने हीट करना है। तो दोस्तों फाइनली जैक निकल चुका है। अब जैक निकलने के बाद इसके ऊपर आप पेस्ट अप्लाई कीजिए और डीसोल्डरिंग वायर की हेल्प से इसको आप क्लीन कीजिए और उसके बाद हम नया जैक जो इसमें फिट हो पाएगा उसको हम यहाँ पर ला लेंगे। तो कोई भी अदर जैक्स आपने इसमें नहीं डाले, जो इसमें फिट हो पाएगा वही आपने डालना है।
तो डिसोल्डरिंग विक या वायर की हेल्प से इस तरीके से आप इसको क्लीन करेंगे। इसमें जितने भी इसके पॉइंट्स हैं सभी क्लीन होंगे, और जहाँ पर जैक अटैच होगा उस पॉइंट को भी आपने क्लीन करना है, तो इस तरीके से क्लीन होएगा। दोस्तों यहाँ पर डिसोल्डरिंग वायर की हेल्प से मैंने इसके सारे रंगे को हटा के इसके ऊपर क्लीनर मार लिया है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी प्रिंट इसका डैमेज नहीं है, बिल्कुल सही सलामत है। कैसा लगा आपको ये तरीका कमेंट करके बताना, इनकी हाथ की सफाई कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर जो जैक हमारा डलेगा बिल्कुल उसी मॉडल का ही जैक डलना है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये वही वाला जैक है सेम। और यहाँ पर देखिए इसमें इस तरीके से पीछे इसके खांचे हैं और ये इधर के लिए है, यानी कि बिल्कुल फिट साइज का ही इसमें जैक हमारा डलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल फिट साइज का है। कोई भी जुगाड़ तरीके से आप दूसरा जैक मत डालिए, वरना वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, हिल जाएगा, अपने जगह छोड़ने लगेगा। जो एक्यूरेट उस जगह फिट आता है उसी जगह आप इस्तेमाल कीजिए, वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको फिट करेंगे। उससे पहले हम जैक के यहाँ पर एक बार सोल्डिंग कर लेंगे। जैक में सोल्डिंग कर लिया है, अब इस पॉइंट में भी हम सोल्डिंग कर देंगे इस तरीके से। बाद में हम इसकी सफाई कर लेंगे, तो इसके पॉइंट्स में हम इस तरीके से सोल्डिंग लगा लेंगे। अब यहां पर हम इसको इस तरीके से बिठा लेंगे, इसके बाद हम इसमें सोल्डिंग करेंगे। आप इसको हीट करके भी कर सकते हैं, बट ऐसे करेंगे तो ये बेटर रहेगा। हीट करके भी हो जाता है, बट हीट करके आपके जैक के खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। तो अब यहां पर सोल्डिंग हम करेंगे, बट पीछे साइड से। देखिए जैक अपनी जगह पे बैठ चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब यहां पर इसके मेन पॉइंट्स पर हम सोल्डिंग करेंगे, यहां पर बहुत ही बारीकी से इसमें सोल्डिंग होएगा और बहुत ही सावधानी से। तो जिसके आप देख सकते हैं यहां पर भी सोल्डिंग हो चुका है। अब हम इसको साफ करेंगे क्लीनर की हेल्प से, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई हमने इसमें जैक भी रिपेयर करा है, क्योंकि हम अपना काम बहुत ही सफाई से करते हैं। मुझे काफी टाइम लगा था जैक पर इतनी सफाई लाने में, यानी कि मैं लगभग 6 या 7 साल से ये मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड पे हूँ, तो स्टार्टिंग मैंने जैक चेंज करने से ही करी थी। अभी आपको दिखाऊंगा, तब आप लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए हमारा काम, और कमेंट कीजिए, और अगर कोई शिकायत या फिर सुझाव हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। सबका अपना तरीका होता है, मेरा अपना ये तरीका है। चलिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप सफाई देखिए इन पॉइंट्स पर, और इस तरफ आप सफाई देखिए। अब देखिए आप इसमें सफाई, इसके इधर के पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट्स, और पीछे से हमने सोल्डिंग करके इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर हमारा क्लीनर लगना है, उसके बाद चमक उठेगा। देखिए बिल्कुल फिक्स साइज का हमने इसमें लगाया हुआ है, इसको और सफाई करके हम इसमें फिट करेंगे जैसे हमने खोला था। तो दोस्तों फाइनली हमने इसके मदरबोर्ड को यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा
तो फिर हम यहाँ पर जो फॉल्ट होगा वो ढूंढेंगे। वैसे जैक का ही फॉल्ट था तो ये कोई भी दिक्कत अब नहीं करेगा। चार्जर को लगा लिया है और ये हमारी पावर सप्लाई है। अभी एम्पियर इसको देखिए, देखते रहिए, एम्पियर भी उठाएगा। देखिए अब यहाँ पर 0.9 एम्पियर लेने लगा, यानी कि लगभग 1 एम्पियर यहाँ पर ले रहा है। बिल्कुल बहुत ही सही तरीके से चार्ज कर रहा है। परफेक्टली हो चुका है काम। चलिए अब यहां पर हम इसको पूरा पैक कर लेते हैं। दोस्तों आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और जैक यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अपने खांचे पर ही आ चुका है, देख सकते हैं। तो सफाई आपके हाथ में होनी चाहिए। और दूसरी बात है आपने प्रॉपर उसी जैक का इस्तेमाल करना है जो जैक वहां पर लग रहा है। कोई भी जुगाड़ तरीके से आप वहां पर जैक दूसरा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं इसमें सारे स्क्रू लगा के एक बार फाइनल आपको दिखा दूंगा। दोस्तों यहाँ पर सारे स्क्रू लग चुके हैं। अब मैं इस मोबाइल को ऑन भी कर लिया हूँ। इसमें पैटर्न लगा हुआ है, यानी कि पिन लगा हुआ है, तो पिन तो खुलेगा नहीं मेरे से। बाकी यहाँ पर आपको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25% इसमें चार्ज हुआ है और एम्पियर वो प्रॉपरली ले रहा है। चार्जिंग का लोगो, इसको हटाऊंगा, लोगो चले जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हमने रिपेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वही लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।